तो गाइज आज है मनाली में हमें तीसरा दिन है मैं तो, और गाड़ी पे जम चुकी है बर्फ, बहुत ही शानदार बर्फ जम चुकी है कि खुरचनी पड़ रही है। और हमारे मेहताब को गर्म पानी डालना पड़ रहा है शीशे के लिए, शीशा सही करने के लिए। चलो हो गया। तो गाइज हमने करी है ये 4x4। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई बताओ? हमटा वैली। इधर ऊपर वाली पहाड़ी के पास। ये है हालात, हालात देखो हालात। गाइज हम कल से परेशान थे कि यार ये एक ट्री है और इस पे पॉलिथीन बांध रखी है लोगों ने, और हमें पता नहीं था कि असल में ये चीज है क्या। तो मैंने ड्राइवर जो है हमारे उनसे पूछी कि भाई ये क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि ये सब एप्पल ट्री है। ये एप्पल ट्री है और ये देखो आप पॉलिथीन बंदी पड़ी है ना इस पर, ये देखेंगे। तो गाइज ये क्या होता है, इसमें ना पॉलिथीन के नहीं, पॉलिथीन पहले जो बांधते हैं उससे पहले जो होता है एक मतलब फूल होता है, फूल बता रहे हैं वो एप्पल का फूल जिससे एप्पल बनता है। तो वो क्रॉस करते हैं, मेल फीमेल होता है ऐसा करके, तो कुछ मधुमक्खी का बताया उन्होंने कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एप्पल बनता है। तो ये बड़ी शानदार जानकारी थी जो कि पता लगी। अब एक घर पे एप्पल बनेगा, एप्पल फोन भी ऐसे ही बना करता तो मजा आ जाता। सभी लोग अपने अपने ड्रेस पहनते हुए, मैंने भी पहन ली अपनी ड्रेस रेड कलर की। सही है, बढ़िया लग रही है, यूनिक कलर लग रही है, मैंने तो रेड लिया इसी मारे। क्या क्वालिटी आ रही है बॉस। अबे यार रपट रहे हैं जूते भी रपट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और जूते जो हैं रपक रहे हैं। अबे ये गलत जूते पहने आए। अबे इसको चलो ना इधर चलो। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। बहुत ही बर्फ है, बहुत ही मोटी बर्फ है, बहुत ही मोटी, जिधर भी देखो मोटी बर्फ। बर्फ रेगिस्तान जैसी बर्फ है भाई। रेगिस्तान में बर्फ हो? रे तो है रे। तो चलो तो फिर नाश्ता करते हैं पहले, फिर आपसे बात करते हैं। और मिस्टर जैन सैफी को देखो, वो कुछ और ही दुनिया में खो गए हैं। मतलब डंपर पे खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं अपने आप से खींच रहे हैं। ब्रेकफास्ट ही क्या, मैगी खाएंगे फिर करेंगे मस्ती भैया। तो मैगी आ चुकी है, अब मैगी खाएंगे और लो। तो फिलहाल सब हो रहे हैं रेडी, सूट पहन रहे हैं, ये नाइस सूट है, ये इसको पहन रहे हैं सब लोग। और इस बर्फ बहुत मोटी बर्फ और रात ही पड़ी है, और अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो है कुछ एक्टिविटीज हैं, स्कीइंग करेंगे। चलो जैसा भी होता है आप लोगों को दिखाएंगे, फिलहाल तो चलते हैं ऊपर। तो गाइस इससे हम जाएंगे नीचे। और तो जैन सैफी आप जाने वाले हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? गुड गुड भैया घुमा दूंगा। अच्छी है, चल आ गया ये पहिया, आ गया पहिया, ये इनकी गाड़ी है। चलो चलो बैटमैन और नदी का रहता, हमारा नंबर कट चुका है भाई। अच्छा मैं जा रहा था। चलो तो बैठो ना, साफ बना देना साफ भाई, एक मिनट मत छोड़ना। ये जैन सैफी जाते हुए अबे मैं अपनी ना बना के लाया बैठे पड़े नीचे। तो गाइस अगला नंबर मेरा है और मैं देखो क्या तूफान मचाता हूँ। सही है मैं बनाना इधर से, ठीक है तो फिर लास्ट में जाऊंगा इसी मारे मैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग में मैं लास्ट में गया था, तो इस बार मुझे लास्ट में मैं सेकंड नंबर में गया था। लास्ट वाले बंदे को ज्यादा खौफ रहता है, मुझे खौफ से डर लगता है। मारो इसे मारो। तो गाइस मेरा है अब लास्ट नंबर, अब मैं जाऊंगा, देखते हैं मजा आता है या नहीं। गाइस तो सबके जूतों में जो है बर्फ भर गई है, तो सब निकालना है एक दौरे से, जैन के भी
मेहताब के, हम्माद के, तालिब के, सालिम के, रिजवान भाई के। दरअसल ये सब लोग ना चूतिया थे, इन्होंने क्या करा इसको बाहर नहीं निकाला, अच्छा अंदर कर लिया। अच्छा हम लोग स्किन करने जा रहे हैं, हम बताते हैं भाई के साथ। इसका सीन है ना, स्किन स्किन। हाँ भाई साहब, हम करेंगे स्किन बहुत शानदार। यार तू इतना गोरा क्यों आता है भाई? और क्या, अंग्रेजों के खानदान से है कैसे? हिमाचल वाला। हाँ हाँ चलो करो, इधर वाला। हाँ इधर वाला हिमाचल दिखेगा। चलो सेफी आप क्या बना रहे हैं? इधर से दिखाना, इधर से मैं इधर से दिखा दूं क्या? उड़ता हुआ बाज बना रहा हूं। उड़ता हुआ बाज, सलमान भाई बना रहा हूं, चील। ओके गाइस, मैं बना रहा हूं एक चील उड़तुई। चील बनाने तो मेरे को पहले, चील बनाने सलमान भाई के पास भेजनी है ना चील। और जैन सैफी की चील बनकर तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पूछ रहे भाई, इधर से दिखाओ भाई, ऊपर से दिखाओ थोड़ा। ओए होए, हटियो जरा, थोड़ा सा वो सही नहीं आ रहा। हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ, हटो इधर से, अंधेरे अंधेरे से सही नहीं आ रहा। हटो सामने से, उधर से हटो। देखो ये है चील, अगर आपको समझ में आ रही हो तो। रिजवान भाई को खड़ा करो, तुमने ही गिराया था, तुम ही खड़ा करोगे। चलो चलो करो करो। तो फिलहाल सभी लोग मजे कर रहे हैं और मैं उनका कर रहा हूँ शूट। मैं बाद में करूँगा, अभी फिलहाल इनका इनको कैप्चर कर लूँ सही तरीके से। लाइन में लगेंगे, हम लाइन में लगेंगे, चल लाइन में लगेंगे। यार जल्दी कर रहा है तो चलाना वो। हाँ बताओ जैन से, अभी क्या कह रहे थे? देखो ये आ रहा है, आ रहा है आज भाई। कामिल है भाई, विकलांग भत्ता। कामिल रहा भाई, ये विकलांग भत्ता कामिल रहा। इस साइड, दिस साइड। जैन सैफी पता ना अकेले अकेले कहाँ, पता ना कहाँ अकेले अकेले में खोया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पता नहीं सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, कुछ पता नहीं। अरे तुम तो वो हो ना यूट्यूब वाले। ले ये रहा जैन सैफी। भाई साहब क्या हो रहा है, अकेले अकेले क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या कर रहे हो अकेले अकेले? मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इन बच्चों को। आओ बेटे बच्चों, ऐसे 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 आओ ना, जल्दी आओ। पहले खुद तो सीख ले, अबे रुको रुको, पहले खुद तो सीख ले। एक लाइन सुना गाइस, रुको बच्चों, ऐसे देखो, यहाँ जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करते जाना, ये दोनों एक साथ करनी है। बिल्कुल यही करोगे आगे अभी आप? ओके राजना कमान यार, 40 बार गिर चुका है, उसके बाद दूसरों को ट्रेनिंग देने के। अब भी ये सोच रहा है कि अब भी मैं काबिल लूं दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए। पहले खुद तो सीख ले। सीखने का एक मौका दूंगा बेटे, देखो नाजिम भाई सेम टाइम पे। नाजिम भाई आ गया, नाजिम की टांगे लड़खड़ा रही हैं, बहुत तगड़ी। मैं इन्हें सिखा रहा हूँ बच्चों को कैसे करती। सब सिखाने आए हो तो सीखने भी सीखने आया ना कोई सा? विकलांग भत्ता आ गए, आ गए सबसे आगे, सबसे आगे। जो सबसे पहले, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे मिलेगा विकलांग भत्ता। चल चल ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं बना रहा हूँ इसी मेरा हथियार बनाने। ये देखो क्या कर रहा है ये हराम खोर, ये स्नोमैन बनाने का मैं सोच रहा हूँ। आगे स्नोमैन की भाई देखो, ये टोपा ही बना बॉल खुल चुकी है। क्या
मोटा कौन लेगा? क्या? अबे यार क्या बना रहे हो ये? रिजवान भाई क्या बना रहे हैं आप? रिजवान भाई क्या बना रहे हैं आप? अबे दिखाओ तो सही कैसे बना रहे हैं? तो रिजवान भाई को जो ये बना रहे हैं उनको बनाने दिया जाए और उसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे स्लो मोशन से और हर एंगल से, मतलब ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से जारी होते हैं। तो रिजवान भाई की कलाकारी हो चुकी है कंप्लीट। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बनाया। चलिए हटिए, जैन से भी हटिए। ये बनाया है, क्या बनाया रिजवान भाई? ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा टूट गया, इसका जोड़ लगाना है। देखो जोड़ कैसे लगाया मैंने, ये देखो। और इसकी पसलियां बच गई, क्योंकि चश्मा टूट गया। So guys, अभी हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ स्नोफॉल होने वाला है। वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये शुरू होने वाला है फटाक से। और ये आप पीछे देख रहे होंगे, हो गया। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि मैं ले सकता हूँ थोड़े बहुत पैसे। 12 रुपए इसके बैनर में लिए थे। हाँ, तो हमने अपना स्नोफॉल का मजा ले लिया है। आर्टिफिशियल स्नोफॉल का मजा ले लिया हमने। आप भी आओ, आप भी लो, हम भी ले रहे हैं। वसीम भाई बताएंगे जगह का नाम। वसीम, जगह का नाम क्या? जगह का नाम ना पता यार, बड़ा आड़ा टेढ़ा नाम है। सुबह से 131 बार बता चुका हूं, अभी भी इनको याद नहीं हुआ गाइस। भाई बहुत ही क्या बोलते हैं, आड़ा नाम है और टेढ़ा भी, और आड़ा टेढ़ा दोनों ही है। दोनों ही। और रास्ते कैसे थे? बहुत ही खतरनाक। कोई रास्ते होते बट बहुत अच्छा है गाइस, यहां आइएगा। बहुत ही गजब का प्लेस, बहुत गजब का शानदार। चलो चलते हैं और बढ़िया जगह दिखाते हैं तुम्हें बर्फ की। तो नाजिम आप क्या लेके जा रहे हैं? ओ डर के आगे जीत है। फ्रेश बर्फ और इसको हम बिगाड़ने वाले हैं। 2-3 नहीं थक जाएंगे यहाँ ये 2 मिनट में। अबे ना चला रिया, ये हमने बिगाड़ दिया पूरी बर्फ। मुंह पे मत पालो। तो गाइस पूरी फील आ रही है यहाँ पे पबजी की। पबजी में एक मैप होता है बिगेंडी, उसके उसकी तरह। देखिए वो लोग जा रहे हैं, उनको दिखा। देखिए वो जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि बर्फ में घुटनों तक बर्फ है वैसे तो, पर ऐसा लग रहा है कि कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। तो गाइस मैं भी इनके पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पैर तो ज़्यादा नहीं गड़ेंगे। इन्होंने थोड़ी सी बर्फ को धंसा दिया है अंदर, तो मैं इनके मुँह के सहारे चलूँगा। वो पहले यहाँ से निकल चुके हैं, जितनी उन्होंने, देखो कितने तगड़ी बर्फ है ये। देखिए मैं इनके सहारे चल रहा हूँ ऊपर। कई फील आ रहे हैं, पबजी का ले, माधुरी सलाम का ले, और जी वीकेंडी का लो, एक्स वाई जेड, जो भी बर्फ में होता है सबका फील है इस टाइम। अबे वीकेंडी खेलेंगे अभी थोड़ी देर में, पबजी खेलेंगे, डंडी तोड़ो, डंडी की गन बना के खेलेंगे। ओ बैंचो, आधी जंग में जीत चुका हूँ, आधी बाकी है। ओ मेरे साहब पार्टी पीछे आते हुए। हाँ अरे मर गए। गाइस ये हाथ देख रहे हो, इसकी वजह है आज जो ये थक रहे हैं हम ये चलते हुए इस पे। भाई साहब ओ दो टाइम के हाथ चलाने वाले। अबे यार बेइज्जती थी तो मत कर। भाई साहब इतनी ऊपर चढ़ना और चढ़ाना जा रहा, रुको अब हम उस पे जाएंगे। भाई साहब देख रहे हैं आप, ठीक है वहाँ पे जाके बात करते हैं आपसे। ओके गाइस लग रही है बाहुबली चल रहा है। बाहुबली में वो जो शिवलिंग को उठाता ना गाइस, हम अपने आप को उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा थक चुके हैं, चढ़ाई बहुत ऊंची है,
आ रहे हैं। इनकी फट चुकी है पूरी तरीके से, चढ़ा नहीं जा रहा, टांगे बोल गई इनकी। वसीम भाई डर के आगे, डर के आगे माउंट यहाँ पर ही, जल्दी आओ देखो। तो गाइस अगर आपको ऐसे मौसम में पानी ना मिले तो करना क्या है, ये बर्फ देख रहे हो, ये गंदी बर्फ हटा देनी है और फ्रेश बर्फ निकालनी है इसमें से, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और खा लेनी है। अजीम भाई मुंह का दादी यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख सकते हो नीचे सब लोग बर्फ का मजा ले रहे हैं, लेकिन वहां से ना लेकर मजे हम आ गए हैं इस पहाड़ी पर हिम्मत करके, जो कि बहुत मेहनत लगी थी, और ले रहे हैं माउंटेन ड्यू का पूरा पूरा लुत्फ। बर्फ डाल डाल बर्फ डाल, खा ली थी सुअर ने, बर्फ भरो पैरों की नत भर दी यार, ये गलत बात है यार मेरी कोल्ड ड्रिंक रख यार तो हम जाएंगे नीचे और हमारे पीछे रहेगा सिंसेन सर भी, क्योंकि वो तो है नहीं मोबाइल, अभी थोड़ा सारा और धक्का देना पड़ेगा, ये फ्री में कर रहे हैं जूता चले और अब जो है जैन सैफी के पैर काम नहीं कर रहे हैं और पैरों में बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए किसी के भी पैर काम नहीं कर रहे हैं और सूरत का बन चुका है। सो गाइस क्या बन चुका है पकौड़ा, आवर ट्रिप इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू लीव फ्रॉम द हमटा वैली। फिलहाल मैं अभी लूंगा जादू की तरह, जैसे जादू को धूप मिल धूप खाकर शक्ति आती थी, ऐसी अभी मैं धूप ले रहा हूँ, मुझे भी शक्ति आएगी। और गाइस हमारे एक बंदे की तालिब की असली सबकी तो बातों में पड़ी है, इसकी असली में पड़ी है, दिखाओ मैं बर्फ तो झाड़ ले कॉटन है कॉटन पड़ी थोड़ी है, इसकी तो गांड पड़ी है तो हम लोग अभी खाने वाले हैं खाना और बाकी लोग तो सब फेल चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया खाना खाने में, और खाने में है राजमा चावल विद चटनी बहुत ही यम्मी बने हैं गाइस और बहुत ही टेस्टी बने हैं, और यहाँ की एक खासियत और दिखाऊंगा आपको जो कि बहुत ही बढ़िया है, दिखाता हूँ। बर्फ की टेबल पे खाना खा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, नाजिम तो इससे बैठी हुई है, इन्होंने प्लेट साफ कर दी है। हाँ बोलो, बता नहीं सकता मेरा क्या क्या जमा पड़ा है इस पर बैठने में, अच्छी है। और जैन सैफी ने तो पूरी प्लेट सूंध दी है अकेले ही, चटनी गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर, और घर भी पहुंचना है बहुत जल्दी, और चलते हैं फिलहाल। बहुत ही मज़ा है यहाँ पर, बहुत ही इंजॉय किया, देखना आप ब्लॉग में और बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा।